फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। अभी हमारी कैब आ चुकी है, अभी हम लोग अपने गांव के लिए निकल रहे हैं। तो अभी मेरी बेटी तो सोई हुई थी, तो मैंने थोड़ा बहुत उसको जितना करना था तैयार किया। बाकी ये हमारा इधर के साइड हमारा फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, इधर की साइड कुछ लोग रहते हैं। अभी मेरे हस्बैंड ने घर को कर लिया है लॉक, अभी हम बैठ गए हैं कैब में। अभी हम निकले एयरपोर्ट के लिए। मुंबई में मैंने इतने सालों में रोड को इतना सुनसान कभी नहीं देखा, बिल्कुल खाली सा सन्नाटा सा है। तो ठीक भी है आजकल, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ भड़ाका बढ़ाना भी ठीक नहीं है। तो अभी हम एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जब भी मैंने देखा तो कोई जो भी जा रहा है वो सिर्फ अपना ड्यूटी वाला ही जा रहा है, बाकी कोई लोग नहीं जा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे अननेसेसरी निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही सिर्फ काम से मतलब रखते हैं। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग अपने ही ड्यूटी वाले लोग दिख रहे हैं, आना जाना उन्हीं का है, बाकी कोई लोग नहीं है यहाँ पे। अभी एक आध ऐसी गाड़ियाँ दिखेंगी, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी। अच्छा है इस तरह से थोड़ा सा माहौल को अपने आप, अगर हम लोग थोड़ा सा समझदारी दिखा के रहें तो अच्छा है। अभी हम पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 2 पे पहुंच गए हैं हम। अभी हम यहाँ पे हम अपना सामान चेक कर रहे हैं, हमने सारा कैब से उतारा नहीं उतारा। अभी हम पहुंच चुके हैं गेट नंबर 6 पे। यहाँ पे हमारा आधार कार्ड, आरोग्य सेतु ऐप चेक हुआ। जिसके पास ये नहीं होगा उसको यहाँ पे सेल्फ हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ा, और थर्मल स्क्रीनिंग हुआ हमारा यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं इंडिको के काउंटर पर, यहाँ से हमको लेना है अपना बुकिंग पास और बैग टैग का प्रिंट खुद निकालना है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे खुद निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे बैगेज काउंटर में गए, अपना चेक इन लेगेज को हमने जमा किया, और फिर हम अपने हैंडबैग के साथ फ्लाइट की तरफ निकले। और फिर उन्होंने हमें बताया कि 8:30 बजे तक आप लोगों को पीपीई किट मिलेगा, जिसमें होगा एक ग्लास सील्ड होगा और सैनिटाइजर के पाउच होंगे। 9 बजे के आसपास हमारा बोर्डिंग चालू हो जाएगा, यहाँ से हमारी फ्लाइट लगेगी। और 10:10 को हमारी फ्लाइट उड़ान भरेगी। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमें इंतज़ार करना है यहाँ पे। यहाँ से फेस पे थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, काला काला सा दिख रहा है। पीछे हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है। अभी इस साइड बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, दूसरी साइड जो मेरे सामने फेस के सामने है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। उस साइड वो मैं दिखा नहीं पाई, अभी फेस पे थोड़ा लाइट आ रही है। अभी मेरी बेटी बोल रही थी इधर उधर चलो, तो कहाँ जाएं ज़्यादा इधर उधर एयरपोर्ट पे, तो उसको थोड़ा सा हेलो हाई करा रहे हैं, इधर उधर घुमा रहे हैं उसको। अभी हम पहुंच चुके हैं देहरादून, अभी हो चुका है 12:20, जॉली ग्रांट पहुंच चुके हैं हम एयरपोर्ट पे। यहाँ पे जो सामने लेडीज आ रही हैं वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग हुआ हमारा, और फिर यहाँ पे बाहर हम एयरपोर्ट से बाहर आए हैं तो यहाँ पे फॉर्म भरने को दिया गया सब लोगों को, उसमें अपना डिटेल भरना था, कितने लोग हो, कहाँ से आए हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भरनी थी। मेरी बेटी अभी नींद में ही है, हल्का सा नींद में थी वो। और अभी हमारा ड्राइवर यहाँ पे आ चुका है, हम उसमें अपने सामान। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे, हम पहुंच चुके हैं अपने होम टाउन में। ओखीमठ में मैं पहुंच चुकी हूं, और अभी मैं कौन सी जगह पे हूं इस जगह के बारे में भी आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम यहां पे ही क्वारंटाइन हुए तो जब हम देहरादून से निकले उसके बाद मैं वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाए, मेरे फ़ोन में चार्ज बिल्कुल भी नहीं था, पूरा ख़त्म हो चुका था। मेरी एक आदत बहुत बुरी है, मैं अपने फ़ोन को फुल्ली चार्ज करके कभी नहीं रखती हूँ, जितना होता है उतने में ही काम चलाती हूँ। लेकिन ये तो बहुत बुरी आदत है, लेकिन क्या करूँ, अपनी आदत को मुझे सुधारना है ये वाली को। फिर हम वहाँ से निकले, देहरादून से निकले हम 1:30 बजे निकले,
तो वहां से हम जब ऋषिकेश पे पहुंचे 2:15 पे, तो ऋषिकेश पे पहुंचते ही हमें पता चला वहां का मेन हाईवे तो बंद है, अब क्या करें। फिर उन्होंने हमको बोला कि अब आपको टेरी वाले रोड से होके जाना पड़ेगा। फिर हम टेरी वाले रोड से होके आए, तो मेरा बहुत 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 ज्यादा मन था कि मैं अपने पहाड़ की जो रोड होती है ना, एकदम डेंजर वाली, वो दिखाना चाहती थी सबको, कि जो लोग भी मतलब नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं आ पाते हैं पहाड़ों में, देख नहीं पाते हैं, तो मैं चाहती थी वो लोग देखें कि यहाँ की रोड कैसे होती है। और वहाँ का जो मुझे अच्छा लगा, वो रोड बहुत अच्छी थी, सिंगल रोड थी लेकिन बहुत अच्छी थी। हम लोग वहाँ से एकदम अच्छे से आए और अच्छे टाइम पे पहुँच भी गए। फिर हम वहाँ से निकले, फिर हमें घनसाली घनसाली करके कोई जगह थी, वहाँ पे हमारी गाड़ी को फिर रोका गया। फिर हमारा वही डिटेल, हमने एक फॉर्म भरवाया, उन्होंने थर्मल स्क्रीनिंग कराया, फिर फॉर्म में अपना वही डिटेल भरो, कहाँ से आए हो, कितने लोग हो, एज क्या है, फिर ड्राइवर कौन है, गाड़ी कौन है, ये सारी डिटेल फिर एक फॉर्म में पूरी भरनी पड़ती है। फिर हम वहाँ से निकले, ये सारी चीज़ें करके थर्मल स्क्रीनिंग हमारा सबका हो गया था, फिर हम वहाँ से निकले आगे को। फिर हम जैसे ही रुद्रप्रयाग जिले में पहुंचे, तो वहाँ पे चिरबट्टिया खाल नाम का, हाँ, चिरबट्टिया खाल में हम जब पहुंचे, तो वहाँ पे चेक पोस्ट पे हमारे राइट हैंड पे इस टाइप की स्टैम्प लगाई गई, और ये मेरा क्या लिखा है पता नहीं, वो मैंने हाथ ऐसे रख दिया था, वो मैंने अपनी बेटी को पकड़ने के लिए रखा, वो पूरा साफ हो गया। तो क्या लिखा था उस पता नहीं चल रहा था क्या लिखा है, लेकिन उन्होंने ये स्टैम्प ऐसे लगा दी हमारे राइट हैंड पे। तो वहाँ पे भी हमारा थर्मल स्क्रीनिंग हुआ, फिर से वही फॉर्म का डिटेल भरो, कहाँ से आए हो, कितने लोग हो, कहाँ जाओगे, कहाँ क्वारंटीन होगे, तो वो सारी चीज़ें फिर से हमें वहाँ पे बतानी पड़ी, बोलनी पड़ी। तो फिर उन्होंने हमको वहाँ से जाने दिया। जब उन्होंने बोला अगर आप अपने गांव के प्रधान हो, सरपंच हो, कोई भी हो, उनसे बात कराओगे कि ये लोग गांव में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो ही हम इनको जाने देंगे। तो हमने अपने वार्ड मेंबर को कॉल किया हमारे गांव के, उनका नाम है दलवीर सिंह रावत उनका नाम है। तो हमने उनको कॉल किया, तो उन्होंने बोला हाँ आप लोग आ सकते हो। तो मम्मी लोगों ने उनको पहले से बता रखा था कि उनको कहाँ पे रहना है, क्या रहना है, उनका कमरा कहाँ होगा, सारी डिटेल मम्मी लोगों ने पहले से, मेरे पापा ने, मम्मी ने उनको दे रखी थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ इनकी व्यवस्था अच्छे से हो रखी है, तो आप लोग आ सकते हो, छोड़ सकते हो आप उनको। तो उन्होंने फिर भी हमको बोला कि आप लोग एक बार अगस्त मुनि में होके जाओगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फिर टेस्ट हो रहा था, वहाँ पे डॉक्टर की टीम बैठी हुई थी, बहुत सारे लोगों का टेस्ट होना था, तो वही हो रहा था वहाँ पे। तो जैसे ही हम फिर वहाँ से निकले, वहां से उन्होंने फिर हमको छोड़ दिया जाने के लिए। हमारे साथ एक और, वहां पे फिर बहुत बुरा भी लग रहा था, वहां पे हमारे साथ एक और लोग थे, 4-5 जन शायद ऐसे थे, वो 5-6 पता नहीं कितने थे, हमने देखे नहीं, लेकिन थे, वो भी मुंबई से ही आए थे। तो उनकी गाड़ी भी हमारे जस्ट आगे थी, तो उनके गाँव के प्रधान ने आने से ही मना कर दिया कि नहीं उनको गाँव में मत भेजो, जहां भी उनको क्वारंटाइन होना है वो उनको वहां भेजो, अगस्त मुनि भेजना है। वो उल्टे फिर टेरी रोड से उनका वही गांव पड़ता था, लेकिन उनको फिर वहां से अगस्त मुनि आना पड़ा। तो उन लोगों को देख के फिर बुरा भी लग रहा था, यार हमारे ही गांव के लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन ये चीज गलत नहीं है, वो लोग भी अपने सेफ्टी के लिए, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनकी भी सेफ्टी, वो लोग समझते हैं कि यार हमारी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे, हमको क्वारंटाइन होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये चीज पता है सबको, लेकिन अगर किसी के लिए कोई अकेली जगह है वहां पे उनको क्वारंटाइन होना है या फिर रह हो सकते हैं, तो ये मक्खी कहाँ से आ रही। तो वहां पे उनकी व्यवस्था हो रखी हो, तो अगर एकांत जगह है तो कोई भी जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी के बीच में भीड़ में चले गए, किसी को नुकसान पहुंचा दिया। हमें अगर सिम्टम्स दिख भी रहे हैं तो हम किसी के पास नहीं जा सकते ना। अभी इन ऐसी चीजों में थोड़ा समझदारी दिखानी पड़ती है, ऐसे बीच में घुस के नहीं जाना चाहिए, गांव में ऐसे मुंह उठा के नहीं जा सकते। तो थोड़ा सा अकेले जगह पे रहना अभी सबके लिए अच्छा है, हमारे खुद के हेल्थ के लिए अच्छा है,
और ये सारी चीजें तो सबको पता ही है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर वो लोग भी वहां से अगस्त होने को आ गए, हम लोग भी आ गए, तो फिर उनके प्रधान ने तो मना कर दिया, हमारे वार्ड मेंबर ने बोला आ जाओ आप लोग, तो हम लोग आ गए। तो फिर हम अगस्त होने में गए, फिर से वहां पे पुलिस वाले बैठे थे, उन्होंने फिर हमें बोला डिटेल वगैरह दो अपनी सारी, फिर डिटेल भरने को बोला, फिर हमने वहां पे अपनी डिटेल भरी, कितने लोग हैं, क्या आपकी एज है, कहाँ से आप आए हो और कितने आप जन हो, तो हमने सारी डिटेल भरी। ड्राइवर की भी डिटेल उन्होंने ली, उसके ड्राइवर के पापा का नाम, उनकी उम्र, उनका गाड़ी का नंबर, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी, तो वो सारी डिटेल हमने वहां पे भरी। उन्होंने बोला कि अभी टेस्ट हो रहा है, आप लोगों को यहाँ से टेस्ट करके ही जाना है, तो हमने कहा ठीक है, जितना जल्दी टेस्ट होगा उतना जल्दी हम भी फ्री हो जाएंगी, क्योंकि मेरे साथ मेरी छोटी बेटी और मेरी दादी सास, तो वो थोड़ा चल नहीं पाती है, तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो फिर वो ज्यादा चल नहीं पाती है, फिर यहाँ ज्यादा पहाड़ों में ज्यादा चलना पड़ता है, तुरंत कोई चीज हमें सड़क पे नहीं मिलेगी, रोड साइड पे नहीं मिलेगी, थोड़ा दूर चल के जाना पड़ता है फिर जाके मिलती है। फिर वहां से हम निकले, तो वहां पे डिटेल भर दी, फिर वहां पे गए जहाँ पे डॉक्टर लोगों की टीम बैठी हुई थी, तो जस्ट वहां पे पहुंचे तो उन्होंने बोला कि अरे डॉक्टर की टीम तो आप आए और जस्ट निकल गए, आगे निकल गए, अब क्या होगा, अब आपका तो सुबह ही होगा टेस्ट, 8 बजे होगा, फिर आप लोगों को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, 8 बजे से पहले तो हो नहीं सकता, अभी भी हो नहीं सकता। तो फिर हमने सोचा क्या करें, अब छोटी बच्ची है हमारे साथ, हम क्या करेंगे। फिर हमने वही उनसे पूछा, रिक्वेस्ट की कि आप क्या हमें बता सकते हो, डॉक्टर का नंबर दे सकते हो, फिर उन्होंने बोला कि हाँ मैं, वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने अपने डॉक्टर से बात करी जो वहाँ पे टेस्ट करती थी, लेडीज थी वो, पता नहीं उनका नाम उन्होंने हमें बताया नहीं, तो उन्होंने फिर उनसे बात करी कि मैडम ये लोग ओखीमठ से हैं, तो क्या ये लोग, इनके साथ छोटी बच्ची भी है और बूढ़ी माता जी भी हैं, तो ये लोग यहाँ पे रुके 8 बजे, सुबह 8 बजे तक, या फिर ये वहीं ऊखीमठ में टेस्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं ऊखीमठ में तो थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है, एंटी एंटीजन, हाँ एंटीजन टेस्ट, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ एंटीजन टेस्ट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी था, वहां पे वही हमको करना था अगस्तमुनि में, तो एंटीजन टेस्ट उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला हाँ ऊखीमठ में हो रहा है, वो लोग जा सकते हैं और ऊखीमठ में अपना टेस्ट कर सकते हैं, जब भी डॉक्टर की टीम आए तो वो लोग वहां पे आराम से अपना टेस्ट कर सकते हैं। तो फिर हमारे जान में जान आई, तो हम वहां से निकले, फिर हम वहां से निकले 9 बजे, नहीं वहां से हम फिर निकले, हाँ 9 बजे वहां से निकले हम, फिर हम 9 बजे वहां से निकले, तो हमें ऊखीमठ आते आते 11 बज गए थे, फिर रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अंधेरा हो चुका था, लेकिन हाँ रास्ते में हमें बाघ मिल गया था, लेकिन मैं ये सारी चीजें कैप्चर करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई अपनी गलती की वजह से, कैम फोन में बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, मैं कर ही नहीं पाई शूट, तो हमको शेर दिखा, काश मैं आप लोगों को भी दिखा पाती, लेकिन नहीं दिखा पाई, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम, अभी गांव में आई हूँ तो बहुत सारी चीजें अभी दिखानी बाकी हैं, बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी, टेंशन मत लो। तो उसके बाद हम 11 बजे ऊखीमठ यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पे मम्मी ने सब कुछ करके रखा था, तो खाना वाना सब रेडी था, हम लोग फिर आए फ्रेश व्रेश होके, खाना वाना खाए, वो भी यहाँ के यहाँ पे जो हमारा मकान, यहाँ पे जो मकान है जस्ट उसके बाजू में हमारे कोई पड़ोसी रहते हैं, तो उन्होंने हमको खाना बना के रखा था, सब कुछ बना के रखा था उन्होंने, वो लोग इतने भले लोग आजकल के टाइम में कहाँ मिलते हैं, नहीं मिलते भाई, कहीं नहीं मिलते, तो उन्होंने हमें 11 बजे रात कौन बना के देगा, उन्होंने हमारे लिए खाना, वो दूर के हमारे ताऊ लगते हैं, मतलब ऐसे सगे ताऊ भी नहीं है, दूर के ताऊ लगते हैं, तो उन्होंने, फिर मम्मी भी रात को उनके ही घर पे रोए सो गई थी, तो फिर कल सुबह को निकली घर को, हमारा घर यहाँ से गांव का घर थोड़ा दूर है, ये वाला घर थोड़ा दूर है, दोनों घर अलग अलग, थोड़ा डिस्टेंस काफी है दोनों में, तो हम लोग फिर अपना खाना वाना खा के फिर सो गए। फिर आज सुबह मुझे जैसे ही नहाना था, बहुत सारी चीजें थी, तो पानी नहीं, साढ़े, यहाँ पे पता चला मुझे पानी आता है 2 टाइम आता है, सुबह 1 साढ़े 8 तक, 8:30 से शुरू होता है, फिर 10 बजे तक, 10 बजे भी बहुत ज्यादा बोल दिया, शायद 9 बजे तक, 9 बजे तक, फिर आता है 2:30 से 3 बजे तक, बस इस टाइम में जितना नहाना है, कपड़े धोने, जो करना है सारा एक ही बार में करना है, और अभी हम अंदर ही हैं,
अभी लाइट चली गई, और ये मेरे पापा ने अक्की की वजह से चार्जिंग वाला बल्ब दिया है, लाइट लगाई है चार्जिंग वाली, वो ऑटोमेटिकली जल जाती है लाइट जाने के बाद। तो अभी मैं ये थोड़ा, इसमें थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम होगा, आप लोग मैनेज कर लेना। तो फिर तो उन लोगों को अगर इन सब चीजों के बारे में पता रहेगा, कहाँ पे हमारी डिटेल्स पूछी जा रही है, कैसे हमारा इधर आने का रूट कैसा है, कैसी रोड है, अगर ये सब सारी चीजें उनको ये वीडियो देख के अगर हेल्पफुल कुछ भी लगता है, तो वो अपने आने वाले टाइम में अपने आप को उस हिसाब से ढाल के आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। तो जैसे हमको पहले से पता नहीं था कहाँ पे हमारा टेस्ट होगा, कहाँ पे हमने जाना है, कुछ भी नहीं मालूम था हमको। हम ऐसे ही आ गए वहां से, हमने सोचा था यार हमारी बेटी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी तो इसलिए हम यहाँ आ गए। तो हमको रास्ते का कुछ भी पता नहीं था, हमारा टेस्ट कहाँ पे होगा, रास्ते में कितने टेस्ट होंगे, और कहाँ कहाँ हमको लेके जाएंगे, कहाँ पे गाड़ी रोकी जाएगी, हमको ये सारी चीजें कुछ भी नहीं मालूम थी। अगर कोई ये बाहर से उत्तराखंड को आ रहा है तो मेरा ये वीडियो अगर कोई देख रहा है तो उसको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो उसको पहले से पता रहेगा ये सारी चीजों के बारे में, तो वो आराम से आ सकता है, आराम से सब कुछ कर सकता है। बहुत ज्यादा लोग परेशान नहीं करते हैं, मतलब पहले टेंशन रहता है दिमाग में, हमारे दिमाग में बहुत सारा टेंशन था, बहुत सारी बातें थी कि यार कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा, कैसे करके आएंगे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही आए तो सब कुछ, अपने आसपास के लोग होते हैं, गढ़वाल के होते हैं, तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं होता है जब हम करना कुछ भी स्टार्ट करें, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है, कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर पाते। लेकिन पहले ही हम लोगों को नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लानी चाहिए, सोचना पॉजिटिव रहना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोगों को सोचना चाहिए हम कर सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होगा जहां पे होगा देख लेंगे, बस भगवान साथ है बस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री है, प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।